स्टार्स ब्रेकिंग न्यूज। डेली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस घंटी को ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में विलन का रोल निभाएगा साउथ का ये सुपरस्टार। सलमान खान की फिल्म दबंग और दबंग 2 को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। सलमान की पिछली दोनों दबंग फिल्मों में से एक को अभिनव कश्यप और दूसरी फिल्म को उनके भाई अरबाज खान ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस बार दबंग 3 का निर्देशक बदल गया है। साल 2009 में आई सलमान खान की फिल्म वांटेड को डायरेक्ट करने वाले प्रभु देवा दबंग 3 को डायरेक्ट करेंगे। जहां दबंग फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने विलन का रोल निभाया था, तो वहीं दबंग 2 में साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज विलन के रूप में नजर आए थे। खबरों की माने तो सलमान की फिल्म दबंग 3 में कन्नड़ के सुपरस्टार सुदीप मुख्य खलनायक की भूमिका में होंगे। सलमान और सुदीप काफी समय से एक साथ काम करने की योजना बना रहे थे। वैसे इसका इशारा हाल ही में मिला था जब सलमान खान ने सुदीप की आने वाली फिल्म पहलवान के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जानकारी के मुताबिक दबंग 3 के डायरेक्टर प्रभु देवा ने कुछ दिन पहले सुदीप को उनके रोल के बारे में बताया था और सुदीप ने अपनी सहमति दे दी है। खबर है कि सलमान और सुदीप मिलकर काफी धमाल करेंगे। हालांकि सुदीप का किरदार पूरी तरह विलन का नहीं होगा बल्कि ग्रे शेड में होगा। दबंग 3 में भी सलमान खान के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगी और शायद हो सकता है कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर भी किसी किरदार में नजर आ जाएं। दबंग 3 की शूटिंग अप्रैल में शुरू होकर करीब 100 दिन तक चलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सलमान खान दबंग 3 को इसी साल के अंत में रिलीज कर सकते हैं। इस साल सबसे पहले जून के महीने में ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म भारत आएगी, जो कोरियन फिल्म ओ टू माई फादर का रीमेक है, और उसके बाद क्रिसमस के मौके पर दबंग 3 रिलीज हो सकती है। दोस्तों, आपको सलमान भाईजान की फिल्मों का कितना इंतजार रहता है? कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल स्टार्स ब्रेकिंग न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।